महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर उत्तराखंड सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है, वन स्टॉप सेंटर। क्या है ये वन स्टॉप सेंटर, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेखा, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या जी। मैम, वन स्टॉप सेंटर खोले जा रहे हैं, क्या है ये वन स्टॉप सेंटर, किस तरीके से ये मैम कार्य करने वाले हैं? देखिए, वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा छत है जहाँ पर एक महिला यदि समाज में किसी भी रूप से उत्पीड़ित होती है, वो महिला वहाँ पर संरक्षण पा सकती है, वो महिला वहाँ पर अपने लिए लीगल एडवाइजर पा सकती है, वो महिला अपने लिए मेडिकल ट्रीटमेंट पा सकती है, वो महिला अपने लिए केस वर्कर पा सकती है। उस महिला को पूरी तरीके से एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं जो है उसे मिलती हैं, एक संरक्षण मिलता है, और ये संरक्षण उसे तब तक मिलता है जब तक कि उसका मामला कोर्ट में नहीं चला जाता। तो एक तरीके से उसके उसको उत्पीड़न से बचाने के लिए और उसकी काउंसलिंग भी उसी छत के नीचे सुनिश्चित की जा रही है। तो पूरी तरीके से महिला को संरक्षण देने का संकल्प ही जो है वो वन स्टॉप सेंटर है, जिसे कि हमने अपने 4 जनपदों में प्रारंभ किया है और 9 जनपदों में हम प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक मजबूत पहल होगी। मैम, अगर बात करें तो कितने जिलों में ये खुलने वाला है, कब तक इसका समय लगेगा और खुलने का? देखिए, अभी वर्तमान में 4 जनपदों में संचालित है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि एकाध किराए के भवन में चल रहे हैं, लेकिन 4 जनपदों में अभी संचालन की अवस्था में। शेष जो हमारे जनपद जो पहाड़ी जनपद है वो अभी छूटे हैं। पहाड़ी जनपदों में भी जिस प्रकार से हमारे पास में केसेस आ रहे हैं उनको देखते हुए वहाँ पे वन स्टॉप सेंटर जो है हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि सेप्टेम्बर से हम लोग इसकी शुरुआत कर लेंगे, और मेरा मानना है कि उस शुरुआत के बाद में महिलाओं को कहीं पे भी अपने संरक्षण के लिए भटकना नहीं होगा। यदि महिला घर से भागी है या घर पे उस पर कोई अत्याचार हुआ, उसे फिर कोई व्यक्ति रखने को तैयार नहीं होता है, तो ऐसे में वन स्टॉप सेंटर उसके पूरे अधिकारों का और उसका जो है संरक्षण करने का काम करेगा, जो कि उनके सुरक्षा के दृष्टि में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। यदि हमारे साथ मौजूद रेखा आर्या जी, जिनका साफ तौर पर कहना है महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जल्द न्याय मिलेगा और महिलाओं के संग में जो जिस तरीके से जो उत्पीड़न किया जाता था उस पर उत्तराखंड सरकार बिल्कुल गंभीरता दिखाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं प्रतीक पाठक, R9 TV, देहरादून।